मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास फर्स्ट के इंग्लिश सब्जेक्ट के लेसन नंबर सेकंड को पढ़ेंगे। फर्स्ट लेसन हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड लेसन था, उसकी एक्सरसाइज हमने कर ली थी। आज हम जो लेसन पढ़ने वाले हैं वो हमारा सेकेंड लेसन है और उसका जो टॉपिक है वो हमारा है माई स्कूल। स्कूल माई स्कूल मीन्स जैसे स्कूल का नाम आता है हमारा स्कूल हमारे माइंड में घूमने लगता है कि हमारा स्कूल कैसा है, क्या क्या वहाँ पर है, कैसा ग्राउंड है, कैसी क्लासरूम्स है, कैसे हम वहाँ पर पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हमारे माइंड में रिमेंड हो जाती है। तो आप देखिए, मैं पहले पॉइंट की फोर लाइन लिख के आपको समझा देती हूँ। Land.
नॉलेज, ग्रेट एंड ग्रेट। तो इसका देखिए आप, माय डियर स्कूल मतलब मेरा जो प्यारा प्रिय स्कूल है वो एक ट्रीजर लैंड मतलब वो एक हमारी कर्मभूमि है, एक ट्रीजर लैंड हमारी कर्मभूमि भूमि है, वहां पे हमारा क्या कर्म रहता है पढ़ने का, तो हमारी कर्म इसके लिए है फुल ऑफ नॉलेज, यहाँ पर क्या है बहुत सारा क्या है ज्ञान है, ग्रेट एंड ग्रैंड जो किससे भरा हुआ है बहुत सारे अच्छे और बहुत भरपूर ज्ञान से भरा हुआ एक कर्म स्थान है, हमारी कर्म भूमि है। तो हमारा स्कूल कैसा है, हमारा स्कूल क्या है, बहुत अच्छा है, सुंदर है, जो हमारे लेसन में बताया गया है। उसके अलावा यहाँ पर जो टीचर्स होते हैं, जो टीचर्स है वो कैसे बुद्धिमान है और बहुत अच्छे है, बच्चों को अच्छे से रखने वाले पढ़ाने वाले हैं। फिर वहां से बताया गया है कि हमारे जो क्लासरूम्स है वो किससे भरे हुए हैं, लड़के लड़कियों से भरे हुए हैं, जहाँ पर हम फ्रेंड्स के साथ मिलकर खेलते हैं, टॉयज के साथ मिलकर खेलते हैं। फिर मेरा जो प्यारा स्कूल है वो हमारी कर्म भूमि है और इसमें ज्ञान का बहुत सारा भंडार है। फिर बाद में ये लेसन हमारा ये कंप्लीट होता है, आपको ये पोएम आपकी नोटबुक में लिखनी है पूरी पोएम। फिर बाद में हमारे इसमें बुक एक्सरसाइज है नहीं, तो इसमें आपकी देखिए फ्रॉम स्टूडेंट डेस्क मतलब एक स्टोरी दी हुई है, वो स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए ये भी फ्रेंड से रिलेटेड स्टोरी है, कोई ना कोई स्टोरी कोई ना कोई मॉरल जरूर देके जाती है, इस स्टोरी का क्या मॉरल निकलता है वो आप सोचिए। ए फ्रेंड इज ए पर्सन हु हेल्प यू एट द टाइम यू नीड, मतलब एक दोस्त जो होता है वो ऐसा आदमी होता है जो जो हमारी जरूरत के वक्त हमारे काम आता है, हमारी मदद करता है। मतलब एक मित्र ऐसी चीज होती है जिससे हम कोई भी चीज शेयर कर सकते हैं, कोई भी नीड हो हमारी आवश्यकता हो तो उसके लिए बोल सकते हैं, हमें कोई परेशानी हो तो उसके साथ शेयर कर सकते हैं, वो हमारी हेल्प जरूर करता है। मतलब मुसीबत के समय में काम आने वाला कौन होता है, एक मित्र होता है। वन डे टू फ्रेंड्स वर गोइंग टू द जंगल, एक बार की बात है दो दोस्त थे वो कहाँ जा रहे थे, जंगल के अंदर जा रहे थे। दे सा ए बियर कमिंग देयर, तभी उन्हें एक जो बियर होता है भालू, वो भालू उनको अपनी तरफ आता हुआ दिखा। वन ऑफ फ्रेंड क्लाइम ऑन द ट्री, एक फ्रेंड जो था वो पेड़ पर चढ़ना चाहता था तो वो पेड़ पर चढ़ गया। द अदर ले डाउन ऑन द ग्राउंड, और दूसरा जो था वो पेड़ पर चढ़ना ही नहीं जानता था, फिर उसको कुछ नहीं सूझा, उसको लगा कि अगर मैं पेड़ पे तो चढ़ नहीं पा रहा हूँ और अगर नहीं चढ़ पाऊंगा तो भालू मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो क्या करता है जमीन पर लेट जाता है, लेट डाउन होता है मतलब जमीन पर लेटना। तो द अदर ले डाउन ऑन द ग्राउंड मतलब वहां जमीन पर लेट जाता है। आफ्टर फ्यू मिनट्स बियर लेफ्ट, थोड़ी देर बाद में क्या होता है बियर वहां से चला जाता है। फिर बाद में देयर फर्स्ट फ्रेंड कम डाउन फ्रॉम द ट्री, फिर बाद में जो पहला जो मित्र होता है जो किस पे चढ़ गया था पेड़ पर चढ़ गया था वो उतर कर नीचे आता है एंड आस्क व्हाट डिड द बियर टेल यू, क्योंकि बियर क्या करता है उसको सुन के निकल जाता है, जो जो फ्रेंड नीचे जमीन पर लेटा होता है वो अपनी सांस को रोक लेता है, तो बियर उसको सुनकर निकल जाता है और उसको जो फ्रेंड ऊपर बैठा होता है उसको लगता है कि बियर शायद उसको कुछ कह रहा है, तो वो नीचे उतर कर उससे क्या पूछता है कि तुमको वो बियर जो है वो क्या कह के गया है। तो द अदर मैन आंसर, जो दूसरा आदमी जो होता है जो नीचे लेटा हुआ था वो उसको बोलता है, उसको जवाब देता है, इट सेड नेवर ट्रस्ट ए फ्रेंड हु लीव्स यू इन डेंजर, उसने क्या कहा, ये हमारी कहानी का मोरल भी है कि क्या शिक्षा मिली उसको कि वो मुझे ये कहकर गया कि ऐसे किसी दोस्त पे विश्वास मत करो जो आपको मुसीबत के वक्त छोड़कर चला जाए। तो एंड ही लेफ्ट, और उसके बाद वो दूसरे फ्रेंड से नाराज होकर चला जाता है। मतलब बहुत ऐसा होना चाहिए जो हमारे हर वक्त में हमारा साथ दे, हमारे साथ रहे, ना कि इसके जैसे कि ये तो जब बालू आते हुए दिखा तो जो फ्रेंड पर चढ़ना चाहता था वो पेड़ पे चढ़ गया, उसने अपने दूसरे फ्रेंड की सोची नहीं कि इसका क्या होगा मैं तो चढ़ गया, तो फिर उसने दूसरे फ्रेंड ने भी इस चीज से सीख ली कि मेरा दोस्त मेरी नहीं सोच रहा है, तो उसने उसका साथ छोड़ दिया और उसने उसको बता भी दिया कि वो बियर मुझे ये कह के गया है कि ऐसा किसी से दोस्ती मत करो जो आपका मुसीबत में साथ छोड़ दे। तो इस कहानी का क्या मोरल निकलता है कि
कि हमें ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो हमारा मुसीबत में साथ रहे, ऐसे मित्र ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, या ऐसे मित्र नहीं बनाने चाहिए जो मुसीबत के वक्त हमारा साथ छोड़ दे। तो हमारा ये लेसन यही कंप्लीट होता है। इसमें हमने पोएम लिखी हमारे लेसन की, वो पोएम आपको अपनी नोटबुक में नोट करनी है, और ये जो स्टोरी मैंने आपको पढ़ाई है वो भी आपको अच्छे से लर्न करनी है। थैंक यू।